الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله سليم صدق الله العظيم مانا الياس فلاحي صاحب من القدم الاسلامي مهاراشتر مفتی كليم صاحب سلمان صاحب تمامی بزرگوں भाइयों नौजवानों बहनों बेटियों मुझे ये हिदायत है कि मैं जादरा के हवाले से कुछ बातें आप के गोश गुजार करूँ जादरा से मुराद हम ये लेते हैं कि चलते चलते कुछ पैगाम साथ ले जाएं कि हमको करना क्या है ज़ाहिर है कि दिन भर का अज्तम हुआ है वो इज्तम में जितनी मुफीद बातें हैं वो कही इसलिए गई हैं कि वही हमारे लिए ज़्यादा रही हूँ मैं बहुत हल्का सा उसका तस्करा कर देता हूँ याद दाही के लिए कि पूरे इज्त की थीम जो था वो इज्तम की थीम जो है एक हौसला एतमाद को रिस्टोर करना था और शुरू से आखिर तक ये बात की गई कि शायद सबसे ज़्यादा मौत को रख को याद करने वाली कोई कौम है तो मुसलमान है तो लोग जो मौत पर यकीन रखते हों फिर उनको डर नहीं होना चाहिए उनको हौसले के साथ मकसद बा माना ज़िंदगी गुजारने की जस्तजू करना चाहिए इसलिए कि सामना तो करना ही दूसरा हालात का भी ज़िक्र हुआ तीसरे जोजैन के बारे में बात कही गई उसमें वो बातें भी आई कि साहब अगर वो फोर नाइन्टी एट के केसेस अगर आप देखें तो कोर्ट्स में बुरखे वाली ज़्यादा नज़र आते हैं अजान तक ठहरना है जी दूसरे मोहल्ले। तो उसमें यह है कि इतना अच्छा माशरा रखने के बावजूद इतनी अच्छी हुसन माशरत रखने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये ख़ुद इस बात की दलील है कि दीन हमारा बहुत अच्छा है लेकिन हमारी प्रैक्टिस जो है दीन की बुनियाद पर नहीं है तो इज्तम इस बात की याद दहानी है कि ये बेसिकली जो बातें हम आम तौर पर करते हैं उसकी एक तशनगी में कमज़ोरी या कमी नहीं कहता नक्स नहीं कहता एक तशनगी ये है कि हम कहते हैं कि इस्लाम हर चीज़ का हाल है लेकिन हम ये हम कहते हैं कि जब एक निज़ाम में ज़िंदगी है तो अजवाज के हवाले से दीन की तालीमत क्या हैं अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको एड्रेस करना ये ज़्यादा रहा है जहाँ प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कीजिए एक शख्स आया है वो बया, बयान कर रहा है कि साहब मेरी टांग टूट गई है उसको बोल रहे पेट के दर्द की गोली खा दूसरा आ रहा है साहब मुझे जुकाम पेट के दर्द की गोली खा ऐसे नहीं हो सकता ना आपको वाज करना पड़ेगा कि जो मसला है उस पर इस्लाम का हल क्या है यानी आज भी इस गए गुजरे दौर में एक मिसाल मैं आपको राज दे रहा हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम माशरा है जो अपने वालदेन को ओल्ड एज होम में ले जाकर नहीं डालता यानी जो सीनियर्स हैं उनको ले जाकर नहीं डाल देता कैसे भी हालात होने दो कमजोरियाँ पचास हैं इसका मतलब दीन की ये बरकत है कि वालदेन का कुछ एहतराम उनके पास पाया जाता है वहीं पर अल्लाह के रसूल की हदीस यही है ना कि तुम्हारे लिए दुनिया में कोई काबिल कदर नेमत है तो तुम्हारी अच्छी जौज का होना है अच्छी बीवी का होना है जब अच्छी बीवी की तोक़ो करते हो तो तुमको भी अच्छा होना चाहिए अगर बीवी पर तुम्हारा हक़ हाँ है तो बीवी का भी तुम पर हक़ हाँ है बीवी का भी कहला एक हक़ुन मुझे एक अच्छा बहुत खूबसूरत वाक़ा याद आ रहा है मैं सुना देता हूँ सैदना उमर के ज़माने में ख़ातून आई और आने के बाद उसने कहा है कि आमिर मुझे कुछ बात करनी है लेकिन उसने देखा कि साथ में कुछ और भी लोग खड़े थे तो वो वापस चली गई तो सैदना उमर ने पूछा कि ये कौन थी तो कहा ये फलां की बीवी है तो क्या मालूम करो क्या मामला है तो मालूम हुआ कि उनकी मियाँ बहुत मुतकी है रोज रोजे रखते और रातों को रातों भर नमाज पढ़ते उनको अपनी हालत का एहसास ही नहीं है कि कैसे जोगी बन गए सैद नमर ने बुलाया हालत देखा मैं अपनी जबान में कह रहा हूं उन्होंने देखा गाड़ी की हालत ये है तो बोले गैरेज में भेजो इसको इसकी डेंटिंग पेंटिंग करा के लाओ इसकी जब उनको सबसे नहला धुला कर साफ कपड़े पहना कर बाल दुशवार करके लाया गया और उनकी बीवी को बुलाया गया तो बीवी थोड़ी देर में तो पहचानी कि नहीं मेरे मियाँ हैं बल्कि ये इस हालत में निकले वो कहते हैं कि उसने वहीं पर उनको बोसा दिया तो सैयद नमन उनसे कहा कि अल्लाह के नबी अल्लाह के अल्लाह नबी अकरम वसल्लम अल्लाह के अल्ला, नबी अल्ला अल्ला, अल्ला थे और रातों में नमाज भी पढ़ते थे दिन में रोज़े भी रखते थे लेकिन ये सारे तकाजे पूरा करते थे अब ये तकाजों को पूरा किए बगैर औरत को एक ऐसी हैसियत देना कि वो उसकी कोई इज्जत ही ना हो तो फिर घर में तो मसाइल होंगे ना तो ज्यादे ये है कि इस्लाम बहुत खूबसूरत निज़ाम है आप उसको समझिए दुनिया आपकी जन्नत बन जाएगी अपनी अजवाज की कदर कीजिए यहाँ भी देख लिए कि मेजोरिटी में वो आई हैं उनके जज्बे की कदर कीजिए इसका मौका नहीं मिला मैं यहां पर दो बातें उनके हक में कह देता हूं ख़वातीन के हक में आम तौर पर तो रिवाज ये हो गया है कि असरी तालीम दीनी तालीम में लड़कियों को ना असरी मिल रही ना देनी मिल रही चलो दीन की तालीम ही तालीम है तब भी तो कोई मुफसरा कोई हदीस की बड़ी इमाम सारी दुनिया में पेश कीजिए ना इतनी बड़ी मुस्लिम दुनिया एक मुफस्रा एक ऐसी आलम है जो वक्त की फकीहा हो एक नहीं इसलिए कि हमने उसको इज्जत ही नहीं दी उसको हैसियत नहीं दी उसको कोई साथ इंसाफ नहीं किया तो जो गोदे जहाँ पर ये इंसानों के तारीख और खालिद के हम ख्वाब देखते हैं जहाँ पर ये सांचे में ढलती हैं ढलते ढलते हैं वो सांचे तारीख हैं डॉक्टर अक्रम नदवी ने लिखा कि इमाम अजहाबी ने इस बात को कोट किया कि जो हदीस की रिवायत जिन लोगों से है जिन्होंने हदीस की इमामत की है तो उसमें तारीख में ख़वा के बड़े नाम आते हैं रुआत में और कई नाम आते हैं तो वो कहते हैं कि खातिन को जब दरायत के तहत परखा गया और रिजाल में रिवा रुआत के तौर तो पर परखा पर गया तो एक भी जो है उसमें से झूठी साबित नहीं, नहीं हुई जबकि मर्दों में कई झूठे निकले मर्द बहुत झूठे निकले औरत एक झूठी नहीं निकली जो उसका जज्बा है जो उसका मकाम है वो दुनिया में तुम्हारे लिए उसी से तो रंग है इस दुनिया में वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग तो ज्यादा राय एक ये भी है कि अपने अजवाज की अपनी बेटियों की कदर कीजिए और वैसे कीजिए जैसे उसके कदर करने का आज भी मगरिब बहुत एडवांस होकर बिखर गया ख़ानदान ख़त्म हो गए अब वो इस पर रिस्टोर कर रहे हैं कि अगर ख़ानदान बना कर रहते हैं तो उनको टैक्सेस माफ़ किए जाएंगे लोग फैमिली सिस्टम की तरफ वापस आ रहे हैं हमारे पास फैमिलीज़ है तो ज़ादरा ये है कि आप अपनी ख़ातिन की इज्जत कीजिए जाह ये है कि आपने मौलम पर बात रखी मौलम को नबी करम से मनसूब करना बहुत बड़ा दावा है म की वो तश्ीक इल्म की वो, वो खिदमत इल्म का वो तस्वर सबसे प्यारा तस्वर मैं हर जगह जब मौका मिलता है कोट करता हूँ कि इल्म की वो तारीफ मुझे सबसे अच्छी लगती है जो इमाम इबन कम ने बयान की है इमाम इबन कैम कहते हैं कि जो दरियाफ्त हो गया जो किताबों में लिख दिया गया वो इल्म नहीं है वो मालूम है आलम जो है मुखरद नहीं होता वो रिसर्च करने वाला होता है इल्म वो है जो आइंदा के स्टेज की जुस्तजू की जाए उसके बाद के स्टेज की जाए, जस्तजू की जाए उस वक्त तक जुस्तजू की जाए जब तक है जो कौम रिसर्च की आदि होती हैं, उनको ये शर्फ पे क्लेम का हक मिलता है कि वो मौलिम है जो मिलत तालीम के एतबार से सबसे पसमानदा हो उसके मौलम उस समाज का आईना होते हैं किसी समाज को देखना है तो उसके मौलमिन को देखना होता है तो ज़्यादा राय यह है कि इल्म की वो तश्वीर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी उस रिसर्च के शौक़ को जिला बख्शना चाहिए उसको इग्नाइट करना चाहिए सियासी हवाले से बात आई वजहा साहब ने बात की अभी इतना मौका नहीं है लेकिन मैंने एक बात की और उसको दावती नुक़ नज़र से देखी है इस समाज का मतला कीजिए इतनी बड़ी तहरीक होने के बावजूद आज भी हमारे पास भारत के मुख्तलिफ समाजों का मताला नहीं है जबकि दावत का पहला तकजा यह है कि मुखातब को समझ कर दावत दोब को समझा ही नहीं कौन कौन से समाज हैं क्या डिफरेंसेस हैं कौन लीडर्स हैं अभी जिक्र आ रहा था कि क्रिश्चियंस ने जो किया है वो एक एक उसका डिटेल में जाकर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ तो उसके बगैर न दावत होगी न सियासत होगी और अगर ये करना है तो ठहर कर मैं अपनी तरफ से भी बात ऐड कर देता हूँ कि बहुत बुनियादी काम है हालात कितने नाखुशगवार हो कितने पुराश हो अंबिया तो ऐसी दौर में आए ना अंबिया को यहाँ पर तफरी के हवाले से तफरी सिखाने नहीं भेजेगा हालात के धारे को मोड़ने के लिए आए थे जब कहा कि ईधा बेला फिराउन इन्ना होतागा मूसा और हारून से कहा कि जाओ वक्त के फिराउन के पास तो पसे मंजर को याद कीजिए कि मूसा का मामला क्या था और फिर मूसा और हारून ने अपनी बात रखी भी लेकिन वहां जो बात कही गई कि इधबा इला फिरावना इन्ना होता गा फौल और जाओ फिर से नरम बात करो कोई आया हारून रशीद के पास और उसने बहुत सख्ती के साथ डांटा और कहा कि अल्लाह से डर मरना है तुझे हारून रशीद ने कहा यार मैं फिरौन से बुरा तो नहीं हूं और तुम मूसा से अच्छे नहीं है अल्लाह ने मूसा को फिरौन के पास भेजा तो कहा कि खौल लइे ना कहने के लिए कहा नरमी से बात करो नरमी अल्लाह की बड़ी नेमत है अल्लाह की बड़ी नेमत है होंगे मोदी जी हम आपसे नफरत नहीं करते हम किसी विश्व हिंदु परिषद से किसी बजरंग से हम नफरत नहीं करते इसलिए जब हम कहते हैं कि आदम की औलाद है तो आज अगर आप लिंचिंग करवाइए फसाद करवाइए जो करना है कीजिए लेकिन हम ये समझते हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो हम में से किसी की जान जाती है तो अल्लाह तो उसको दे देगा जन्नत मगर तुम्हारी औलादों में से जिनको तुम खातिल जानी लुटेरे बना रहे हो तो क्या तरबियत कर रहे हो तुम तो इस मुल्क में एक खैर ख़ाह होने के नाते जो तस्वीर हमारी बननी चाहिए वो तस्वीर उसी वक्त बनेगी जब हमारा ये तस्वूर आएगा कि हमको अपनी तकलीफ़ कम है हमको तुम्हारी नस्लों का दर्द ज़्यादा सताता है तुम अपने बच्चों को जानी खातिल बनाते हो तुम अपनी बच्चियों की किस्मतों को तो तार तार करते हो अभी मौलाना कह रहे थे तो मैंने कहा कि आज भी रिकॉर्ड यह है आप कभी भी किसी भी साल का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रेफर कर लीजिए और उसमें देखिए कि दलितों की कितनी बेटियों की किस्मतें लुटी कबायलियों की कितनी लूटी और मुसलमानों की कितनी लूटी आज के दौर में भी एसटी और एस की ज्यादा इसमतें लूटती हैं हम इस अक्सरियत से यह कहना चाहते हैं कि वो बेटियां भी तुम्हारी बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं तुम भी हमारे बच्चे वो भी हमारी बच्चियां हैं हमारी शनाख्त यह बनना चाहिए इस मुल्क में कि हम इस मुल्क के खैर खाए तुम किसी इशू को उठाइए मैंने थोड़ी देर पहले यूसी का जिक्र किया इससे पहले से तलाक का जिक्र आया आपके पास इतने मज़बूत दलाइल है कि औरत की वो हैसियत है कि वो औरत को आप ऐसी जो है यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते वो हैसियत जो है दावत है आपकी जब हम दावत दावत कहते हैं दावत का एक तखा़ज़ा ये भी है जैसा आपने कहा कि एक इशू आया तो इशू पर इस्लाम का स्टैंड बताइए क्या है और ये दावत मौसर होगी कुर्बानी से कमिटमेंट से जहाँ माल लगता है जहां तवाना ही लगती है जहाँ वक्त लगता है ना उससे दिल भी लगता है अगर हम अहले मुल्क से मोहब्बत करेंगे उन पर अपना माल अपनी तोानाई अपनी सिलाहित लगाएंगे तो मोहब्बत होगी उनसे तब मोहब्बत होगी वो जो आयत का नजूल है ना, जिसमें एक शख्स भूख का मारा आया अल्लाह के रसूल ने अपने गज्बात से कहा कि किसी के पास खाना हो तो दे दो तो ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है दूसरी ने तीसरी ने सबके पास कुछ नहीं था अल्लाह के रसूल ऐसे निछावर करने वाले थे मैं फिर से ज्यादा रह के नाते दरखास्त कर रहा हूं कि पेट भरे रहकर वजन बढ़ाकर शुगर बना के दवाएं खा के कमिटमेंट नहीं हो सकता वो तो जब भूखा रहेंगे तो शुगर ही नहीं होगी वो पहले किसी गरीब का पेट भर चुकी होगी जिस गरीब का पेट भर चुके होंगे उसको अपने दिल में और उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर चुके होंगे जब अजवाज में से किसी के पास नहीं था तो अलग रसूल ने साथियों से पूछा तुम में से कोई कुर्बानी देगा एक साहब ने कहा गले वो तल्हा थे रजान घर में जाके पूछो तो बीवी ने कहा कि इतना है कि बच्चे खा सकते हमको भूखा रहना है तो कहा बच्चों को समझा के सुला दो ये कंसर्न चाहिए इंसानियत से बच्चों को सुला दो और चिराग बुझा दो इसलिए खाना इतना नहीं है कि मैं भी खा सकूं तो मैं हाथ उससे टच करता रहूंगा उसे बताऊंगा ऐसे ऐसे मैं भी खा रहा हूं, खिलाऊंगा उसी को जब इस 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 सलीके के साथ उन्होंने कुर्बानी दी तो इस आयत का नज़ुल हुआ यूसिन्राफीम बोलो कानी खसास तो इस इंसानियत से दिल लगाने का तकाजा यह है कि यहां पर अब भी भुख बहुत है आप देख लीजिए मुसलमानों की सूरत हाल के साथ साथ बाहर निकल कर दलितों में से और बहुत से लोगों की जो कमज़ोर है लाचार है गरीब है महरूम है कितने बिते हैं लोग कचरे से उठा कर गजा निकालते हैं जो फेंक देते हैं उससे निकाल कर खाते हैं जो कुत्ते जो वगैरह चीज़ में जाकर चुनते हैं उसमें जाकर लोग अपनी ज़िंदगी चुनते हैं ये हमारे सामने मुआशरे में होता है लेकिन हमको उससे कोई टीस नहीं उठती कोई तकलीफ नहीं उठती और हम दावा इसका करते हैं कि हम आए इसमें इस समाज के खैर है इंसानियत के खैर है अरे जो लोग मिल्लत का दर्द नहीं रखते जिन लोगों को मिल्लत के इस्तेकाम का की आमादगी नहीं है जो जक़ात का निजाम रिस्टोर करके मिल्लत का इंपावरमेंट नहीं कर सकते औकाफ के अतबार से भी आपने सुना कि महाराष्ट्र में नाइन्टी था नाइन्टी थाउजेंड एकड़ लैंड है और क्या देगा अल्लाह आपको माल दे रहा है ज़मीन दे रहा है विजन दे रहा है लेकिन आपके पास वो कलेक्टिव स्पिरिट नहीं है कॉपरेशन नहीं है हम दीन के हवाले से जो दरख्वास्त कर रहे हैं हम इजमाली बात करने के बजाय हम चाहते हैं कि मुतिन तौर पर एक डिस्कोर्स एक लाह मलिक ज़ादेरा मिले कि अपनी बच्चों को तालीम के अतबार से वैसे संवारी जैसा कि इलम का तकास अपने आप को माशी तौर पर वैसे एम्पावर कीजिए जैसे अल्लाह के ने में किया था कि चंद सालों के अंदर लोग जक़ात देने निकलते तो लेने वाला नहीं मिलता था जब अमली माशरा आप तश्कील देंगे तो कौन आपसे नफरत करेगा और कौन आपसे उलझेगा लेकिन आपकी बातें सिर्फ अगर तस्करे होंगी तो वाज होगी निजाम नहीं होगा इसलिए दरखास्त यही है कि यहां पर लगी और लगाइए तू बचा बचा के न रिसे तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आइना सांस में लेकिन जो बचाते हैं वह छोड़ कर चले जाते हैं इसलिए आखिर में मेरा वक्त भी हो गया मैं इसी में दुआ का भी कहा गया है दुआ को इसी बात से जोड़ते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हम आमतौर पर दुआएँ तो यही मांगते हैं अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छी तरह अच्छा उसका मुस्तबिल कर दे उसकी नस्बत अच्छे से तय हो जाए उसका कारोबार अच्छा हो जाए उसका औलाद दे दे, इसकी दुआ भी मांगे नहीं कि अल्लाह मोदी जी का दिल पलट दे अल्लाह शाह जी का दिल पलट दे अल्लाह ये आगे तो काम ही आसान है ना कोई नई बात है अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी अल्लाह दो उम्रों में हमसे दोनों ने तो एक तो भी दे दे या तो अबू जहल दे, दे दे या बिन बिलखाब दे दे हम दुआ की बात करें और दुआ में हमारे पास मकसद ना हो तो जो मांगेंगे वही देगा ना लमिया लेकिन अगर ये बदल जाते हैं तो हम तो अगर पूरी कोशिश से उनको इस मकाम पर ले आए कि अगर सजा देना है तो सजा के कठरे में खड़े कर दें तब भी मौका आता है तो फतेह मक्का में हम ये कहते नजर आते हैं कि ला तथरी बाल हमको किसी मोदी से किसी शाह से किसी से नफरत नहीं अल्लाह ताला अल्लाह उनके दिलों को पलट दे तो दिल दिल तेरे इख्तियार में है लेकिन हमारी दुआ नहीं होती हैं ना अगर हम वो दुआ करेंगे तो उसकी जस्तजू भी करेंगे इसलिए जो सोच बदली है उसमें इसी दुआ के साथ रब बना ला तो झिक्क़िकू बना बाहत वह हबलना मिल्द उनका रहमा इन्ना कां तलवाब अल्लाह इतना अच्छा दीन दिया है इतना मुकम्मल विजम दिया है लेकिन ना अपनी जात पर अदलाफ कर रहे हैं ना अपने ख़ानदान को जन्नत बना रहे हैं न समाज की तश्कील चाहते हैं न हालात बदलना चाहते हैं अल्लाह ऐसा दिल जो इस रहनुमाई से रूठ गया है अल्लाह ऐसा दिल अता कर कि हमारे दिल इस तरीके से गाफिल ना हो और हमको दिल अता कर जिसमें ये सारी ज़िंदगी हो जिसमें सारी जस्तुज हो रबाना अल्हाकू और जबा बातल अल्लाह हमको वो चीज़ दिखा जो वाकई सच है हम जिसको सच समझ रहे ज़रूरी नहीं कि वो सच है जो सच है सच को दिखा जिसको हम गलत समझ मैं समझ रहे कि नहीं ये गलत है वो जितना गलत है उतना ही दिखा अल्लाह हम उसी की दुआ करते हैं और बना आते ना फिर दुनिया हंसाना अल्लाह हमारी दुनिया को इज्जत और वक़ार वाला बना दे इस मिल्लत को जो है इस मुल्क की ज़रूरत बना दे और फिर ऐसे बना कि आख़रत को भी हमारी इच्छा कर दे वो फिल आख़रत हसना वन अदा बनना रबी जाल ने मुखीमत सलाहती यू मिनती रब बना दलदुआ रबन अली हमारे नस्लों को हमारा हमको खुद अपने बच्चों की इज्जत करने का सलीका फ़न इसदार था फरमा अपने वालदेन के अहसान तो उतार नहीं सकते जितने कुछ खिदमत का मौक़ा और तोफ़ी मिलता है मिलती है अल्लाह ताला उनको राज़ी करने की तोफ़ी अदा करना उनको भी राज़ी कर दे तो भी राज़ी हो जा रबना तखबल मना गमली आखिर उदावाना अलहमदिल्ला रबालम